कटोरी रवा डाल दिया है, एक कटोरी और डाल देंगे। तो ये 2 किलो मैदा में हम 3 कटोरी रवा डाल लेंगे। देखिएगा, अजवाइन डाल देंगे इसमें। देखिएगा ये खाना सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा, वो डाल देंगे चुटकी भर। तो नमक डाल देंगे स्वादानुसार। मेथी रखी है वो डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। तिल भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालें, ना हो तो ना डालें। ठीक है, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लड्डू टाइप का। और ये हमने ले लिया है गरम पानी, गुनगुना है, ज़्यादा गरम नहीं है। और इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको सॉफ्ट डो गूंथ लेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ये रेस्ट करेगा। देखिएगा, हम ले लेंगे यहाँ 1 से 1.5 कप जो मूंग की दाल की नमकीन आती है, वो यहाँ ये ले लिया हमने नमकीन। देखिएगा, इसको ले लें। अब इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाले घर के, 1 से 2 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ शक्कर, गरम मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। बंद कर लगा के नमक डाल देंगे, क्योंकि दाल में नमक होता है तो कम ही डालें। मिर्ची पाउडर डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे, ये मिक्स मसाला डाल देंगे, साई का मसाला रखा हो वो डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसको दरदरा पीस लेंगे, दरदरा पीस ले रहे हैं। नमक डाल देंगे, काला नमक, हींग डाल देंगे। जीरा डाल देंगे 2 चम्मच 1.5 चम्मच। ये आटा अच्छी तरीके से उठ गया है, और अब हम इसकी लोई काट लेंगे इस तरीके से। फिर भी इसको ढक के ही रखेंगे, क्योंकि टाइट ना हो जाए। ये देखिए, ये हमने पीस लिया है। क्या था ये? वही डडरा 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 डडरा। देखिएगा, यहाँ काट लिए लोई, और हम बेल लेंगे रोटी की तरह से। लोई काट लिया उतना ही पतला, हम यहाँ रोटी बेल लेंगे एक, और इस तरीके से रोटी बेल के रख लेंगे। और ज़्यादा मोटी ना हो, ज़्यादा पतली ना हो, बीच की जैसे रोटी बनाते हैं वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने रोटी बेल के रख ली है ये, और दूसरी लोई ले लूँगी मैं। और रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है मैंने ये आटा, तो ये मैदा वाला आटा। तो इस तरीके से हम बेल लेंगे अच्छी तरीके से, और हमें बनानी है रोटियां उतनी बना के रख लें। आज ये यहाँ लगा लिया है मैंने, जो ये खट्टी वाली सौंठ रखी हो किसी के यहाँ, ये सौंठ लगा लें, वाली चटनी होती है वो लगा लें पूरे पे अच्छी तरीके से। तो मेरे पास रखी थी तो मैं लगा लूँगी ये मीठी वाली चटनी। और ये जो दाल का पाउडर बनाया है, अब वो उसको अच्छी तरीके से छिड़क दें इस पर खूब अच्छी तरीके से, जैसे आलू भरते हो उस तरीके से हम इसको पूरे पे फैला लेंगे। इस तरीके से पूरे पे फैला लें, ज़्यादा सही रहेगा। देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करना, तभी पता चलेगा। तो मैं पूरे पे फैला ले रही हूँ, और सौंठ लगा है तो इसलिए ये आसानी से मसाला चिपक भी जाएगा, फिक्स हो जाएगा एकदम। जो हमने एक्स्ट्रा रोटी बना के रखी थी ना, उसको इस तरीके से हम कवर कर देंगे, और किनारियों को दबाते हुए इस तरीके से हम इसको पैक कर लेंगे। और जितनी भी किनारी निकलेगी
उसको दबा लें और इस तरीके से इसको पलट के और फिर से बेल लेंगे। और हमें बेलना है और रोटी की तरह से एक दूसरे में ये लग जाए मसाला। तो इस तरीके से मैं बेल रही हूँ दोस्तों, तो इस तरीके से हम बेल लेंगे। बेलने के बाद में हम और किनारे से बेलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और किनारे पानी लगा के बंद कर दें। उसी तरीके से मैंने किए हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको जो थोड़ा बहुत है उसको मैं अपनी उंगली से दबा दूँगी और हल्का सा बेलन और मार लूँगी मैं। देखिएगा अब अच्छी तरीके से हो गया है। यहाँ कटर से या चाकू से काट कर लें, सीधा सीधा 1 से 1.5 इंच के टुकड़े काट लें, 1.5 बाई 1.5 का टुकड़ा काट लें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिएगा मैं इस तरीके से कट कर दे रही हूँ, और ये इस तरीके से कट होंगे। इसको कट करके ऐसे उठाएंगे, और ये थोड़ा सा खुला हो तो इसको इस तरीके से दबा दें, और दबा के एक कोने से उठा के और दूसरा कोना पीछे फोल्ड कर दें, एक कोना आगे फोल्ड कर दें। ये चौकोर वो है तो ये फ्लावर का आकार हो जाएगा। तो देखिएगा ये कितना अच्छा लग रहा है किनारे से भी, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही टेस्टी रहेगा। तो मैं एक कोना आगे से चिपकाऊंगी और एक कोना पीछे से चिपकाऊंगी, ज़्यादा सही रहेगा। देख मैंने बना लिया है ये, अब मैं इसको रख दूंगी और दूसरी रेसिपी बनाती हूँ मैं। तरीके से पानी लगा लेंगे हम, ये दाल का मसाला है उसको इस तरीके से फैला लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से पूरे में फैला लेंगे। इसको दबा लेंगे अच्छी तरीके से, पतला पतला काट लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं। तो देखिएगा और ये इस तरीके से कट जाएगा। तो इसको हथेली की सहायता से दबा देंगे कस के, तो इसका आकार कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिएगा इसको भी दबा देंगे, ये दबा के मैं बना के दिखाती हूँ हो गया है। और ये जो पापड़ी बनाई है ये हम डाल देंगे, और बिल्कुल स्लो गैस है, बिल्कुल स्लो ही रखें ये चीज़ें सेकने के लिए। तो यहाँ मैंने पापड़ी डाल दे रही हूँ, ये अपने आप छूट जाएंगी, सारी तारना नहीं है, ये छूट जाएंगी अपने आप ही इस तरीके से। ठीक है, इस कलर की हो जाए तो निकाल लें, ये कच्ची नहीं है लेकिन एकदम सिकी है, और कम गैस पे ही मैं निकाल दूंगी ये। और मैं डालती हूँ फिर क्या, देखिएगा ये काजू काट कर रख लिए हैं, अब मैं डाल दूंगी वो, और ये भी छूट जाएंगे, और कम ही गैस पे ये एकदम स्लो गैस पे इसको भी तल लेंगे, और ये अपने आप छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो देखिएगा इनको भी तल ले रही हूँ मैं। देखिएगा ये भी सेक लेंगे हम, ये कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए, काली मिर्च ले लिया, आमचूर ले लिया है, और ये बुकनू होता है वो ले लिया, नमक ले लिया है, और जो अभी हमने ये फ्राई करके रख लिया काजू। अब ये सारा सामान मसाला मिला के मिक्स करके इस तरीके से, और चटपटा सा ये सारा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे,
और इसी में डाल देंगे। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे काजुओं को। वीडियो को फुल वॉच, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा। और होली की तैयारी करें, हैप्पी होली हमारी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबके लिए हैप्पी होली दोस्तों। और होली की ऐसे ही सभी तैयारी करें, होलिका मैया सबके जीवन में सुख रखे। जय माता।